पहले ये देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सब लोग मेहनत नहीं कर रहा है, सब लोग मेहनत नहीं कर रहा है। शांत शांत, ये देखिए, ये देखिए इस लड़के की काउंसलिंग टाइमिंग देखिए, और ये देखिए कुछ नहीं होगा। पहले पूरी बात बता, सितंबर को 23 सितंबर को 7:30 बजे, मतलब कल 23 सितंबर शाम को 7:30 बजे आया है। अरे आप अंदर जाके एक लड़की संबंधी आवश्यक सूचना, प्रवेश पत्र, प्रवेश परीक्षा रिजल्ट, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल मार्कशीट, इतने चीजों को लेके आना है। आधार कार्ड संभव और अध्यक्ष चुने गौरव सिंह, मोबाइल नंबर बताइए, चला जाएगा, इतना चला जाएगा। ये भी तो कैंडिडेट है, क्या मतलब है? सब बंद ध्यान कर रहे हैं, काम नहीं होगा, काउंसलिंग की डेट, बीए का, निदान का, बीएससी का सारा डाटा। मैं ऋतिक सिंह, वर्तमान छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी महात्मा गांधी का। देखिए दरअसल क्या है कि आज जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ विश्वविद्यालय में यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है बीकॉम की। उसके बाद से यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग एकदम, चीफ डॉक्टर मैम का कल आश्वासन था कि आप लोग हमारे साथ कॉपरेट करेंगे, हम लोगों ने मैडम के साथ कॉपरेट किया। उसके बावजूद यहाँ पे विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं सारे बच्चों के पास नंबर में मैसेज पहुँचे गए हैं, और वहाँ पे बकाया उनको समय बताया गया है कि आप इस समय पे विश्वविद्यालय में आइए, यहाँ पे मैं आपका एडमिशन कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। तो अभी आप लोग छात्र क्या कर रहे हैं, बंद करा रहे हैं? यहाँ पे काउंसलिंग अब बंद हो गई है। तोड़फोड़ करने की वजह क्या है? नहीं, यहाँ पे तोड़फोड़ नहीं हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं तोड़फोड़ हुई नहीं है। यहाँ पे केवल एक आराम से शालीनतापूर्वक बातचीत की गई है। क्या वो किसके द्वारा तोड़ी गई हम लोग को नहीं पता है। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं इस वर्तमान में उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। आज हंगामा करने की क्या वजह है? वजह बहुत बड़ी ये है कि भैया कि हम लोग काउंसलिंग शांति से करवा रहे थे। हर छात्र नेता आता है, हर प्रत्याशी आता है, मेहनत करता है, अपने मेहनत से सब लोगों को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा ये किया जा रहा है कि एक प्रत्याशी को सबका नंबर दे दिया जा रहा है, डाटा दे दिया जा रहा है, वो सबको अपने बोल रहा है कि मैंने आपका एडमिशन करा दिया। तो ये इससे क्या वो हम लोगों से जुड़ पाएंगे? कभी नहीं जुड़ पाएंगे। ये चीज़ें बहुत सारा सर गलत हो रही है हम लोगों के साथ। तोड़फोड़ करने की वजह क्या थी? तोड़फोड़ हम लोगों ने नहीं किया है और ना ही हम लोग करेंगे। हम लोग अपना मांग शांतिपूर्वक रखे हैं। मेरा नाम सोनू शुक्ला पड़ेगा। सोनू जी, आपने क्या देखा यहाँ पर? किस तोड़फोड़ यहाँ पर? मैंने एक बैग देखा कि छात्रों में आक्रोश हो गया, और यहाँ पे पता चल रहा है कुछ मामला कि किसी के द्वारा लड़कों को मैसेज किया गया है। तो ये कोई बड़ी बड़ी समस्या नहीं है, छात्रों को तो मैसेज हमेशा जाता रहता है, हर प्रत्याशी अपने समर्थन के लिए मैसेज करता है। और यहाँ पर कुछ छात्र उग्र होकर और अपनी मर्यादा खोकर यहाँ पर कुर्सी तोड़ने का काम और विश्वविद्यालय के काम में बाधा डालने का काम किए हैं। ये कहीं हमको अच्छा नहीं लगा। जाकर प्रशासनिक विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ एक बैग प्रशासन पर अटैक बनना और छात्रों का अनहित में काम करना, ये हमारे लिए कहीं, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।